अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का मोस्ट वेलकम। तो आज का जो टॉपिक है कुल्लियात अदविया का तीसरा चैप्टर है मिजाज अदविया, यानी दवाओं का मिजाज क्या है, टेम्परामेंट ऑफ ड्रग्स। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग जानेंगे कि मिजाज क्या होता है। सिर्फ मिजाज, ये तो एक दवा का मिजाज है, लेकिन सिर्फ मिजाज क्या होता है उसको जानेंगे हम लोग। तो उसको जानने के लिए एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि अगर एक ये एलिमेंट्स है ए और ये दूसरा एलिमेंट्स है बी, इसके मॉलिक्यूल, बेसिक मॉलिक्यूल जो होंगे इन दोनों एलिमेंट्स के, वो आपस में मिलते हैं। मिलने के बाद ये रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं आपस में, और मिलकर एक नई कैफियत पैदा करते हैं, एक नई क्वालिटी बनाते हैं, ठीक है। और यही क्वालिटी जो है इसकी इनसे अलग होगी। ये दोनों मिलने के बाद ना तो ये रह पाएगा ए और ना ही बी, ये तीन दोनों मिलकर एक नई क्वालिटी बनाते हैं, ठीक। अगर दूसरा एग्जांपल समझें तो यहाँ एक ग्लास में ठंडा पानी है कोल्ड वाटर, दूसरे ग्लास में गर्म पानी हॉट वाटर, ठीक है। इन दोनों को जब आपस में मिक्स करते हैं तो एक अलग कैफियत बनती है, एक अलग क्वालिटी बनती है, और वो ना तो गर्म रहती है ना तो ठंडी, ये पानी नॉर्मल आ जाता है, ठीक है। यानी ये अपनी कैफियत को खो देती है ये भी दोनों, लेकिन एक नई कैफियत को बनाते हैं ये, ठीक। तो ये होता है मिजाज, ठीक। अब किसी दवा का मिजाज जानना हो तो उसकी तारीफ सबसे पहले हम पढ़ेंगे। किसी दवा के वो चंद बुनियादी अज्जा जिनके बाहम मिलने से दवा को जो मिजाज हासिल होता है उसे मिजाज अदविया कहते हैं। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं, किसी दवा को जो चंद बुनियादी अज्जा हैं उस दवा में कुछ ना कुछ अज्जा होंगे, ठीक है, जो आपस में मिलते हैं तो एक दवा को मिजाज हासिल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक ये एग है अंडा, ठीक, तो इसके बुनियादी अज्जा इसमें जो चीज़ें मिलती हैं हमें, क्या मिलती है, प्रोटीन, फैट, कोलेस्ट्रॉल, मिनरल्स एंड विटामिंस, ठीक, यही चीज़ें मिलती हैं इसमें। तो ये इसकी बुनियादी अज्जा हैं इस एग के, अंडे के, जो आपस में बाहम मिलते हैं तो इस अंडे को एक मिजाज देते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि अंडे गर्म मिजाज के होते हैं, ठीक है, तो उसी तरह ये सारी चीज़ें मिलकर उसका एक मिजाज बनाते हैं। तो यही कह रही है ये तारीफ कि दवाओं के चंद बुनियादी अज्जा जो आपस में मिलकर उस दवा का एक मिजाज बनाते हैं, और वही दवा का मिजाज कहलाता है मिजाज अदविया। तो अब बात करेंगे हम लोग मिजाज अदविया की किस्मों की, कितने किस्म की होती हैं। तो सबसे पहले मिजाज अदविया की दो किस्में, दवाए मोतदिल और दवाए गैर मोतदिल, ठीक। तो दवाए मोतदिल यानी नॉर्मल ड्रग्स, ठीक है। अब नॉर्मल ड्रग्स क्या होती हैं, ठीक, तो आइए समझते हैं इसको। ऐसी दवा जो बॉडी में हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो ऐसी कैफियत पैदा करती हैं जो बॉडी की प्रॉपर्टी से ना तो ज़्यादा होती हैं और ना ही कम, ठीक। ये एक नॉर्मल लाइन है, बॉडी पे कोई कैफियत पैदा कर रही है ये दवा, ठीक है। जो बॉडी की प्रॉपर्टीज़ जो होती है, बॉडी का काम जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है, उससे ना तो ज़्यादा हैं और ना ही कम, यानी नॉर्मल ड्रग्स हैं, और ऐसी दवाएं ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डाल पाती बॉडी पर, ठीक है, बदन पर ज़्यादा असर नहीं कर पाती, क्योंकि वो नॉर्मल ड्रग्स हैं, मोतदिल ड्रग्स। बात करते हैं हम एबनॉर्मल ड्रग्स की, ठीक है। तो अब ये क्या होती है एबनॉर्मल ड्रग्स, तो ऐसी दवा जो एक या एक से ज़्यादा कैफियत क्वालिटी से बॉडी पर, जो बॉडी की कैफियत है उसको चेंज कर दें, ठीक है, उसके मिजाज में दखल दे दें, ठीक है, वो होती हैं एबनॉर्मल ड्रग्स, ठीक। इन दवाओं में एक या एक से ज़्यादा, दो कैफियत भी हो सकती है या सिंगल क्वालिटी भी हो, ड्रग्स हो सकती है, या बोथ, दो कैफियत हो सकती है। तो वो क्या करती हैं, जब हम बॉडी पर इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो अपनी कैफियत के लिहाज से बॉडी की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देती हैं, उनके बरखिलाफ एक्शन करती हैं, तो वो होती हैं एबनॉर्मल ड्रग्स। तो आइए बात करते हैं दवाएँ गैर मोतदिल की किस्मों की। तो ये टोटल अगर बात करें पूरी तो ये 8 किस्में हैं, और अगर इन्हें डिवाइड कर दें तो मुफरद और मुरक्कब, यानी सिंगल और कंपाउंड एबनॉर्मल टेम्परामेंट में ये डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, ये दवा जो लिखा है हम इसे मिजाज गैर मोतदिल भी कह सकते हैं, क्योंकि हम दवा का ही मिजाज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चाहे आप कहें दवाए गैर मोतदिल या मिजाज गैर मोतदिल, ठीक,
दोनों एक ही चीज। तो अब देखते हैं पहला, दवाएं गैर मोतदिल मुफरद, यानी सिंगल ड्रग्स की जो एबनॉर्मल टेम्परामेंट है। ठीक, तो सबसे पहला आता है इसमें दवाएं हार। हार का मतलब होता है हॉट, गर्म, यानी हॉट ड्रग्स। तो ये क्या होती है? ऐसी दवाएं जो बॉडी पर इंट्रोड्यूस करने से बॉडी के टेम्परामेंट को बढ़ा देती हैं, गर्मी को बढ़ा देती हैं बदन की, वो कहलाती हैं दवाएं हार, यानी हॉट ड्रग्स। दूसरा है दवाएं बारिद, यानी कोल्ड ड्रग्स, यानी ऐसी दवा जो हम बॉडी पर इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो बॉडी के टेम्परामेंट को उससे मुतासिर होती है और उसके टेम्परेचर को कम कर देती है बॉडी की, यानी कोल्ड ड्रग्स, ठंडी पहुंचाती हैं। ठीक है, उसके बाद दवाएं याबिस जो बदन में ड्राइनेस कॉज करती हैं, खुश्की, और उसके बाद दवाएं रतब जो मॉइस्ट, नमी पैदा करती हैं बदन में। ठीक, उसके बाद आता है दवाएं मुरक्कब, यानी हार याबिस, ऐसी दवाएं जो गर्मी के साथ साथ ड्राइनेस, खुश्की को भी बदन में पैदा करती हैं। ठीक है, फिर हार रतब, यानी हॉट और मॉइस्ट, गर्मी के साथ साथ नमी को भी लाती हैं ऐसी दवाएं। उसके बाद कोल्ड ड्रग्स जो ठंडक भी पहुंचाती हैं, ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर को कम कर देती हैं और थोड़ा सा ड्राइनेस भी कॉज करती हैं। तो ये एक से ज़्यादा कैफियत रखती हैं ये दवाएं, दो कैफियत है साथ में, दो क्वालिटी है इनकी। ठीक है, उसके बाद बारिद रतब, यानी कोल्ड मॉइस्ट, ठंडी के साथ साथ नमी भी। तो ये टोटल आपकी दवाएं गैर मोतदिल 8 किस्मों की होती हैं। तो अब बात करेंगे मिजाज की किस्मों की, लेकिन वो तरकीब के लिहाज से, कंपोजिशन के लिहाज से, जो हमने पढ़ा जो मोतदिल और गैर मोतदिल, वो एतदाल के लिहाज से थी। ठीक है, तो अब इसमें बात करेंगे तरकीब के लिहाज से मिजाज अदविया, यानी मिजाज की किस्में दो होती हैं, मिजाज उला और मिजाज सानी। तो सबसे पहले इसकी बात, मिजाज उला को कहते हैं प्राइमरी टेम्परामेंट। ठीक है, तो जो किसी दवा का कोई उसका प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो उसके बुनियादी अज्जा हैं, वो जब बाहम आपस में मिलते हैं तो इस दवा का जो मिजाज बनता है वो कहलाता है मिजाज उला, यानी प्राइमरी टेम्परामेंट। ठीक है, और इन दवाओं को हम मुफरदुल कवी, यानी सिंगल पावर ड्रग्स कहते हैं। ठीक, जो इनका खुद का बाहम मिलने पर, इनके प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट बुनियादी अज्जा के मिलने पर बने हैं। ठीक, अब बात कहते हैं मिजाज सानी की। अब ये क्या है मिजाज सानी? क्या है कि दो मिजाज उला के मिलने पर, ठीक, दो मिजाज उला मिलने पर सेकेंडरी टेम्परामेंट मिजाज सानी बनती है। ठीक है, क्या है, अब ये जो ये दवा है जिसके खुद प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसके खुद के बुनियादी अज्जा हैं, इस दवा के भी खुद के बुनियादी अज्जा हैं, ये दोनों अब मिल रहे हैं आपस में, ठीक है, तब ये बनाते हैं सेकेंडरी टेम्परामेंट। ये कहलाता है मुरक्कबुल कवी, यानी कंपाउंड पावर ड्रग्स। ठीक है, इसका एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊं, तो जैसे मिल्क, ठीक है, दूध, मिल्क में और भी चीज़ें होती हैं, जैसे तीन चीज़ें, चीज़, बटर और वाटर, ये तीन चीज़ें उसमें होती हैं। जो तीनों चीज़ों को हम उनको सब सेपरेट भी कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं, और तीनों का मिजाज भी अलग अलग होता है। तो अब बात करते हैं मिजाज सानी की किस्मों की। ठीक है, यानी सेकेंडरी टेम्परामेंट की कितने किस्म थी? इनकी दो किस्म थी, मिजाज सानी मुस्तहकम और मिजाज सानी गैर मुस्तहकम। मुस्तहकम का मतलब होता है सॉलिड, मजबूत, और गैर मुस्तहकम यानी अनसॉलिड, जो मजबूत नहीं है। बात करते हैं मिजाज सानी मुस्तहकम की। ठीक है, तो ऐसा मिजाज सानी जिसकी तरकीब इस कदर मजबूत हो कि उसे हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है, यानी उनके बीच की बॉन्डिंग इतनी मजबूत हो कि हम उसे अलग नहीं कर सकते। एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो पीतल, ठीक है, पीतल यानी ब्रास, ठीक, जो बनता है वो बनता है तांबा यानी कॉपर और जस्ता यानी जिंक। जस्ता और कॉपर, तांबा जब मिलते हैं तो पीतल बनता है, ठीक है, लेकिन हम पीतल को जब उन दोनों से अलग करते हैं तो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड सेकेंडरी टेम्परामेंट है, वो इस तरह उनकी बॉन्डिंग होती है कि हम उन्हें अलग नहीं कर सकते, बहुत मजबूत उनकी तरकीब होती है, ठीक है। तो कॉपर और जिंक मिलके ब्रास बनाते हैं। अब बात करें हम मिजाज सानी गैर मुस्तहकम की। ठीक, तो इसमें क्या है कि ऐसा मिजाज सानी जिसकी तरकीब इस कदर कमज़ोर हो कि हम उसे अलग कर सकते हैं, ठीक है,
और इसकी तीन किस्में होती हैं। तो अब बात करते हैं मिजाज सानी गैर मुस्तहकम की किस्मों की, तो ये तीन किस्मों की होती हैं, तो एक एक करके तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे। अखुल मुतलक की बात करते हैं, ये वो मिजाज सानी गैर मुस्तहकम है जिसके अज्जा किसी कदर मजबूत होते हैं और उन दवा के अज्जा को अलग करने के लिए हमें आग पर जलाने की ज़रूरत पेश आती है। ठीक है, जैसे बाबूना, बाबूना में दो अज्जा होते हैं, दो तरह के, पहला काबिज़ और मुहल्लिल। तो जब बाबूना को हम आग पर जलाते हैं तो उसके मुहल्लिल अज्जा बुखारात की शक्ल में यानी वेपर्स बनकर उड़ जाते हैं और जो काबिज़ अज्जा होते हैं वो बाबूना में बचे रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रखो जिद्दन की। अब ये क्या होता है, यानी ये वो मिजाज सानी गैर मुस्तहकम है जिसमें रखो मुतलक के लिहाज से इसकी अज्जा कमज़ोर होते हैं। ठीक है, और इन दवाई अज्जा को हमें आग पे जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम इन्हें पानी में उबाल कर इनके अज्जा को अलग कर सकते हैं। ठीक, जैसे मसूर की दाल, मसूर, ठीक है, मसूर को जब पानी में उबालते हैं तो इसमें दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है, काबिज़ और मुहल्लिल। तो काबिज़ जो होते हैं वो मसूर में ही रह जाती हैं और जो मुहल्लिल अज्जा होते हैं वो पानी में चले आते हैं। जैसे अगर मसूर की दाल को पानी में उबाला जाए तो पहले पानी तो नॉर्मल रहता है, ठीक है, जैसा दिखता है आपको, लेकिन जब उबाल देते हैं तो पानी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, तो उसमें उसके अज्जा जो मुहल्लिल हल होने वाले अज्जा हैं वो पानी में आ जाते हैं और बाकी जो मसूर की दाल रहती है वो काबिज़ उसी तरह उसमें रहती है। ठीक, तो ये होता है रखू जिद्दन। अब तीसरा बात करें कि रखू बाफरात। ठीक, ये वो मिजाज सानी है जिसमें हम दवाओं को ना तो जलाने की ज़रूरत पड़ती है ना तो दवाओं को उबालने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं इसमें कि अगर दवा के अज्जा को उन दवाओं से अलग करना है तो हम उस दवा को धोकर सिर्फ उसके अज्जा को अलग कर देते हैं। जैसे कासनी की पत्ती, इनकी पत्तियों पर ऊपर नमकीन अज्जा होते हैं, तो हम इन्हें धोकर इस पानी को इकट्ठा कर लेते हैं और इसमें उसके नमकीन अज्जा आ जाते हैं। ठीक, तो ये तीन किस्में मिजाज सानी गैर मुस्तहकम की थी। अब हम लोगों ने जो तरकीब के लिहाज से मिजाज की किस्में पढ़ी उनका एक ग्राफ बना के मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर इस तरीके से थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा होगा तो ग्राफ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सी किस्म किसकी है। अब एक चार्ट पे ओवरव्यू कर लेते हैं हम लोगों ने जो पढ़ा। ठीक है, तो तरकीब के लिहाज से जो बी पोर्शन था सेकेंड, तरकीब के लिहाज से मिजाज अदविया की किस्में। ठीक है, तो टेम्परामेंट ऑफ ड्रग्स की दो किस्में, मिजाज उला मिजाज सानी, इसको कहते हैं प्राइमरी टेम्परामेंट यानी सिंगल पावर ड्रग्स, और इसको मिजाज सानी सेकेंडरी टेम्परामेंट यानी मुरक्कबुल कवी कंपाउंड पावर ड्रग्स। ठीक, इनकी दो किस्में, मुस्तहकम मिजाज सानी मुस्तहकम, मिजाज सानी गैर मुस्तहकम। ठीक, अब उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मिजाज सानी गैर मुस्तहकम की तीन किस्में, रखू मुतलक, रखू जिद्दन, रखू बिलफरात। ठीक, ये पूरा ग्राफ इसका है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि कौन सी किस्में किसकी हैं। ठीक, एकदम सिंपल सा मैंने समझाया है, तो तरकीब के लिहाज से ये पूरा इसका ग्राफ है। और जो पिछला हम लोगों ने पढ़ा जिसमें हॉट ड्रग्स, कोल्ड, ड्राई, मॉइस्ट, ये वो आठ किस्में वो अलग हैं।